जी, मैं आपका सवाल लूंगा पहले। यस सर, ओके राइट। मानसी जी, पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं उनको कवर कर लेता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका भी क्वेश्चंस लूंगा, बस लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए कि जो पहले क्वेश्चंस हैं पहले मैं उनको ले लूँ, जो मैंने लिख के रखे हैं, जो मैंने पहले भी दिखाया। राकेश हैं मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं नॉन वेज फूड बहुत खाता हूँ, क्या ये सही है? अगर गलत है तो क्यों गलत है? तो ये तो ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं, अपना अलग अलग तर्क इसके ऊपर देते रहते हैं। तो इसके ऊपर आज मैं भी अपनी राय व्यक्त करूंगा कि ये क्यों गलत है, क्यों खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सारी चीजें। देखिए, खाना तो वो चाहिए जो आपका मन और चित्त बोलता है, लेकिन अगर आप इसमें भी इसको स्पेसिफाई कर लोगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो क्या होगा, आपके लिए बोनस होगा। इस बार कह लो, परमपिता परमेश्वर कह लो, भगवान कह लो, या जिसको भी आप मानते हो उसको भी कह लो, उसने किसी को भी किसी की जान लेने के लिए हमें अलाउ नहीं किया है, हमें परमिशन नहीं दी है, अनुमति नहीं दी है। तो मैं कह सकता हूं कि जब वो नहीं चाहता कि हम किसी की हत्या करें या स्वयं की हम हत्या करें, अगर बहुत सारे लोग सुसाइड भी करते हैं तो उससे भी वो नाराज होते हैं, उसको भी वो पसंद नहीं करते। तो ये बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि हम किसी भी जीव को अपने खाने के लिए अपना निवाला नहीं बना सकते। तो जैसे हम रहना चाहते हैं, जैसे हम जीना चाहते हैं, इसी तरह उनको भी जीने दीजिए। लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में मैं थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो राकेश जी, आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर मैं नॉन वेज फूड नहीं खाऊंगा या ये धरती नॉन वेज फूड नहीं खाएगी तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो जीव जंतु हो जाएंगे पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो मैं उन लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हम मैं अगर स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में क्या होता है कि हम दूसरे जीवों को तो खाते हैं, लेकिन जो कुत्ता है या इसी तरह की बिल्लियां हैं उनको नहीं खाते। तो आप उनको एक तर्क के हिसाब से देख सकते हैं कि जब हम कुत्तों को नहीं खाते हैं तो कुत्ते ही कुत्ते हो जाने चाहिए थे पृथ्वी पे, जो डॉगी हैं वही हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ये धरती माता जो है, ये जो नेचर है, ये सबको जानता है, किसको कैसे क्लासिफाइड करना है, कब किसको कितना रखना है। तो बहुत सारे लोग आएंगे, अपने अपने हिसाब से तर्क देंगे, लेकिन इससे आगे की बात है कि आपका चित है, जो आपका चित चाहे आप अपने हिसाब से उसको खा सकते हो, आपका मतलब है। स्पिरिचुअलिटी में कोई, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी किसी को भी बाउंड नहीं करती है, किसी के लिए भी वो आपको अलाउ करती है अपने तरीके से जीने के लिए। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन आपका चित बोलता है कि ये गलत है तो प्लीज मत खाइए, क्योंकि हर जीव को यहाँ पे जीवन जीवित रहने की जरूरत है, क्योंकि उसी से नेचर बनता है और उसी से नेचर का बैलेंस भी बनता है। दूसरे क्वेश्चंस हैं जो सरिता जी पूछ रही हैं, सर हमारे समाज में लोगों की या किसी किसी भी जीव की मरने के बाद में ही वैल्यू क्यों करते हैं, उससे पहले वैल्यू क्यों नहीं करते? तो बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिखा था। देखिए, आप अपने आसपास भी देख लेते होंगे कि जब तक कोई मनुष्य हमारे पास में रहता है या जीव कोई हमारे पास में रहता है, तो हम उसको कभी एक सही भाव से ना नमस्कार की तो छोड़ दीजिए, उसको पूछेंगे पूछेंगे भी नहीं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी चीजें। मैं बहुत बेसिक सा जवाब आपको दे रहा हूँ, लेकिन जो जैसे वो हमसे दूर जाते हैं तो क्या है, मैं तो उसको इतना प्यार करती थी या करता था, उनके लिए बिना मैं नहीं जी सकते, इस तरह के सारे थॉट और विचार शुरू हो जाते हैं। इसको आप इस हिसाब से भी ले सकते हैं कि अगर आपके आसपास कोई सांप आपको नजर आएगा तो आप उसको खट मार देंगे, लेकिन उसी सांप को आप भोलेनाथ का वो बता कर कि हाँ ये शिव का ये है और शिव इसको पसंद करते थे, इस तरह के सारे तार्किक तर्क देकर उसकी पूजा करते हैं। इसी तरह आप चूहा है, देखिए आपके घर में चूहा रहेगा तो उसको आप मार देंगे। मैं बहुत बेसिक सा बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हमें किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए और मारने से पहले ही उसकी वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते तो दूसरी बात है, और जब हम उसको मार देंगे तो उसके बाद में उसकी पूजा करते हैं। तो इसी तरह अगर मैं दूसरी बात लूँ तो हमारे जो जीवन है उसमें भी यही हमारा एक तर्क रहता है, साइकोलॉजी रहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि जब तक कोई हमारे सामने रहेगा तो हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, और जैसे हमारे हमारे भौतिक मन को पता लग जाएगा कि ये शख्स है, ये अब हमारे आसपास नहीं रहेगा, इस जीवन में या इस जन्म में नहीं रहेगा, तो हम उसके लिए उमड़ उमड़ के से थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, प्यार की भावना प्रकट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपका क्या है,
आपका चित्त ऐसा है जो आपको बौखला रहा है, लेकिन आपके जो संस्कार वो वही है कि हम जीवित, जब तक कोई जीवित रहेगा हम उसको नहीं मानेंगे, और जैसे ही वो मर जाएगा हम उसको मानेंगे। तो मैं चाहूंगा सरिता जी, अगर आपके साथ में ऐसा है, मैं आपका नाम मेंशन करके बोल रहा हूँ कि प्लीज अभी से ही, अगर ऐसे कोई इंसिडेंट आपके साथ में चल रहा है, ऐसी घटना कोई चल रही है, तो प्लीज उसको अभी से ही उनकी वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए, चाहे वो बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे कुछ ना कुछ करता है। जी मैं आपका भी क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल लूंगा, प्लीज बने रहिए मेरे साथ में। थर्ड क्वेश्चन है, मनीषा जी मुझसे पूछ रही हैं कि सर कुंडली में क्या हमें विश्वास करना चाहिए और नहीं तो क्यों? देखिए मैं कुंडली या एस्ट्रोलॉजी इन सब में विश्वास नहीं करता। मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं भी भगवान में बहुत बड़ी श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन मैं कुंडली में विश्वास क्यों नहीं रखता और इसी तरह की बहुत सारी चीजों में, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि देखिए कुंडली में या किसी भी एक चीज में आप विश्वास रखें, आप एक चीज बताना चाहते हैं कि सिर्फ कुंडली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से नेचर ने यहाँ जो भी एक पल दिया है, एक सेकेंड है, एक दिन है, या कोई रिचुअल्स है, ये सारी चीजें आपने खुद बना के रखी हैं, लेकिन नेचर ने यहाँ पे हर एक अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी और एक बुरी चीज सिर्फ ये हमने हमारे द्वारा बनाई हुई है, जो परमात्मा है, जो परमपिता परमेश्वर है, उसने कोई भी चीज को ऐसे डिफाइन नहीं किया है कि ये अच्छी है या बुरी है, उसने ये इसीलिए बनाई है ताकि इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। हो सकता है वो हमारे जीवन में ना हो, लेकिन दूसरे के जीवन में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती होगी, इसलिए वो बनाई है। तो अगर आप इसको स्पेसिफाई करके बात करोगे कि कुंडली इंपॉर्टेंट है, या मान लीजिए आज उनका जन्मदिन हुआ, आज उनका जन्म हुआ है तो वो जन्म इंपॉर्टेंट है, ये सारी सिर्फ हमारी साइकोलॉजी है। और इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो बहुत सारे लोगों का इससे बिजनेस चलता है, उनको पैसा मिलता है, उनकी आय बनती है, तो इसलिए भी बहुत सारे लोग इसको एक बिजनेस के मापदंड पर आपको डराना स्टार्ट कर देंगे कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक आप, जिस दिन आपकी ये सांसें शुरू हुई हैं इस पृथ्वी पे और जिस दिन तक आपकी सांसें यहाँ से जाएंगी, वो दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कभी भी आपको ये सारी चीजें स्पेसिफाई नहीं करनी चाहिए कि बस कुंडली इंपॉर्टेंट है या एस्ट्रोलॉजी का कोई नंबर आपको साइन दिखा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आपके लिए यहाँ पे एक सेकेंड, एक पल, सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, इस चीज को गौर से देखिए। तो आई होप कि मनीषा जी आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। सचिन है जो मुझसे पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सर क्या भूत प्रेत होते हैं? बहुत बार मुझे क्वेश्चन मिलता है व्हाट्सएप पे, मेल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन बॉक्स के माध्यम से भी। जी बिल्कुल, भूत प्रेत होते हैं, आप हो तो वो भी हैं। जैसे आप इस बॉडी को छोड़ोगे तो कुछ टाइम के लिए आप भी भूत प्रेत बनोगे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए बनते हैं, कुछ लोग वो परमानेंटली उस योनि में चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है अपने जो यात्रा है उसको, जो आध्यात्मिक का जगत रहता है उसमें प्रस्थान करते हैं, ताकि उन्हें आगे की जर्नी पूरी करनी होती है। तो बिल्कुल होते हैं, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी रिलेटेड है, जो मैं बाद में बताऊंगा, ये बहुत डिटेलाइज टॉपिक हो जाएगा। बस जितना आपने पूछा है कि होते हैं या नहीं, तो हाँ जी बिल्कुल होते हैं। तो अभी मैं आपके जवाब ले लेता हूँ। मानसी जी ने सबसे पहले मेरे को कमेंट किया था, वो कुछ पूछना चाह रही हैं। मानसी जी पूछ रही हैं, सर जो लोगों की डेथ हो जाती है, मैं कमेंट को डिस्प्ले पे लगा देता हूँ, सर जो लोगों की डेथ हो जाती है वो मरने के बाद भी हमारे बीच रहते हैं, क्या वो हमको देख कर सुन सकते हैं? सर स्टे होम, पता नहीं क्या स्टे होम क्या है इनका मतलब, देख सकते हैं क्या? जी इसमें बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, देखिए वो आपको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास में बहुत सारी इंद्रियां हैं, जैसे कान है, नाक है, इस तरह की इंद्रियां उनके पास में नहीं है, क्योंकि बेसिकली कहूँ तो उनके पास में शरीर नहीं है। ये क्वेश्चंस मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ उनके पास में नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि वो इस हिसाब से उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो आपको देख सकते हैं। उनके पास में जो एक पावर रहती है, हमारे पास में एक बॉडी रही है, बॉडी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जैसे ये बॉडी जाती है तो एक स्पिरिट के पास में दूसरी बहुत सारी पावर्स आती हैं, जो आपको बिल्कुल देख सकती है और आपका भला भी करती है। अगर आपके कोई ऐसे परिजन हैं जो आपसे अटैच रहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद भी, तो वो आपको जब भी आप किसी प्रॉब्लम में आओगे, जब भी आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी से भरी हुई है, उस समय में क्या होता है, वो आपके पास आएंगे, आपको जब आप सोएंगे रात में आशीर्वाद के माध्यम से आपको एक आशीर्वाद देते हैं सपने में आके,
तो उसको जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकता हूँ, इसको ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकता। जब आप रात को सो रहे होंगे, जब आपको सपना आएगा, तो आप उसके अगली सुबह देखेंगे कि आप कितना तरोताजा महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में जो सारी दिक्कतें चल रही थी, वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, ये इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो आप उनको परिजन कह लो, मैं उनको एक अलग डिफाइन से उनको डेफिनेशन देना चाहता हूँ। वो हमारी जो एक गुरु आत्मा रहती हैं, वो होती हैं, जो अक्सर जब भी हमें यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े चैलेंजेस हों, या इसको आप इस हिसाब से भी मान सकते हैं कि कोई आपका क्लोज वन थे, जिसको आप बहुत प्यार करते थे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, या आपके हस्बैंड वाइफ हों, या इस तरह से कोई भी और रिलेशन में, अगर वो आपको छोड़ के इस संसार से चले जाते हैं, तो बिल्कुल वो आपकी हेल्प करते हैं, तो आपको एक मैसेज देते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन जिस हिसाब से आप सोच रहे हो, उस हिसाब से नहीं हूँ, बट स्टिल मैं वहाँ पे हूँ। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वो हमारी इस हिसाब से मदद करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि फिजिकली आके वो आपको मदद करेंगे, तो ये बहुत बहुत डिफिकल्ट रहता है। कुछ स्पिरिट हैं जो कर पाती हैं, अगर उनको जो गुरु आत्मा है या जो दूत रहते हैं जो परमेश्वर के, वो अलाउ करेंगे। तो इसके बाद मैं मानसी जी, आई होप कि आपका क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चंस हैं, इनका नाम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इनको दिखाता हूँ। सर, कई बार हमारे मृत परिजन हमारे सपनों में आते हैं और उनको हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ये सब पता होता है, और वो हमारी हेल्प भी करते हैं। उनका बार बार सपने में देखना, इन सब का क्या मतलब है? वही मैं अभी जवाब आपको दे रहा था कि इसका भी वही मतलब है। वो आपको बताते हैं कि आप चिंता मत करो, हम हैं। अगर आप चिंता करोगे तो उनको भी चिंता होगी, क्योंकि देखिए, जब यहाँ से उनका शरीर चला जाता है, तो फिजिकल सारी जैसी चीजें वो सब खत्म हो जाती हैं। तो क्या इम्पैक्ट करता है? उनके वाइब्रेशंस, मतलब आज आप उनके बारे में गलत सोचोगे तो वो वाइब्रेशंस उनके पास में जाएगी। कैसे भी करके, आप जब आपके ऐसी अवस्था में रहते हो, तो आपकी अवस्था ऐसी बनती है कि आप कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, आपकी वाइब्रेशंस निगेटिव ही नकारात्मक बनेगी। तो आपको ये सारी चीजें देखने की जरूरत है कि आप उनके बारे में किस हिसाब से सोच रहे हो। तो वो आपके बेसिकली सपने में इसलिए आते हैं ताकि आपको बता सके कि हम हैं, आप ऐसा मत सोचो, आप परेशान मत हो। एक तरह से एक रैंडम मैसेज रहता है, इसे आप चाहे आप आशीर्वाद भी मान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी आता, क्योंकि हर एक स्प्रिट का नेचर अलग रहता है, उनकी जर्नी अलग रहती है, वो अलग अलग यात्रा के लिए जाती हैं, तो किसी किसी के साथ में होता है। तो आई होप कि आपका भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आई यू यू क्या नाम है, मुझे प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा आपका नाम। फिर अगला है, कोमल पूछ रही है, कमाल पूछ रहे हैं, मेरे पति की डेथ को आज 3 महीने हो गए हैं, पर वो कभी सपने में नहीं दिखाई देते। मिस माय हस्बैंड, क्या वो हमारे साथ हैं? मुझे उनसे बात करनी है, वो एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। एज वॉज 37, माई सन इज ओनली 8 ईयर्स। देखिए कोमल जी, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं, इसमें से मैं एक लाइन निकाल के बताता हूँ आपको कि मुझे उनसे बात करनी है। मुझे आप बताइए कि आप उनसे कैसे बात कर पाओगे? अगर वो आपके सपने में भी नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे उनसे बात कर सकते हो? दैट मीन्स क्लियरली बात है कि वो आपसे नहीं बात करना चाहते। अगर वो ट्राई भी कर रहे हैं आपको कॉन्टेक्ट करने की, तो आपकी अवस्था ऐसी है कोमल कोमल जी, की आप उनको जो एक कनेक्शन है उसको स्टेब्लिश नहीं हो ना देना चाह रहे, क्योंकि आप ज्यादा डिप्रेस रहते हो गए, ज्यादा उनके बारे में सोचते हो गए, ज्यादा निगेटिव खुद को कर करके बैठे हो गए। तो प्लीज पहले क्या है, आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन में आइए, खुद को काम कीजिए। आपको उस अवस्था की जरूरत है जैसे कि आपके हस्बैंड आपके साथ में पहले रहते थे, उस समय आप किस हिसाब से रहते थे? जब तक आप उस स्टेज में नहीं आएंगे, तो आप उनको नहीं स्टेब्लिश कर सकते, उनके कनेक्शन को। अगर उनका कनेक्शन आपको स्टेब्लिश करना है, तो अपने आप को, अपने चित्त को, अपने बॉडी को नॉर्मल करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। तब तक नहीं होगे तो नहीं हो सकता कुछ भी। और उनसे बात करना है, बहुत सारे लोग बताते होंगे अलग अलग क्रिया के बारे में, तो प्लीज उनके पीछे मत जाइए, वो आपको लूटेंगे, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आप ऐसे करने की कोशिश भी करोगे, तो आपके अपने जो हस्बैंड की सोल थी, उसको परेशान करोगे। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि जैसा आपने बताया कि आपका बच्चा, मतलब आपके हस्बैंड या आपका बच्चा सिर्फ 8 वर्ष का है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी केयर करो, उनको आप बहुत खुश मिजाज हो, या कह सकता हूँ कि खुश किस्मत हो,
कि आपके पास में कुछ है, कि एक बच्चा है, बहुत सारे ऐसी लेडीज हैं, ऐसे जेंटलमैन हैं मेरे पास में जो मुझसे हजारों की तादाद में जुड़े हुए हैं, उनके पास में कुछ नहीं होता। लाइक उनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है, 2-3 साल शादी हुई है, उसके बाद में उनके जो साथी है गुजर जाते हैं, कम से कम आपके पास में आपका बच्चा है तो आप उनको देखकर खुश रह सकती हो, वो आपके एक सहारा बन सकते हैं। तो प्लीज कभी भी उनके लिए उदास मत हो, क्योंकि आपके लिए अपना उदास दिखता है, मुझे उनका उदास दिखता है, मैं उस स्पिरिट की केयर करता हूँ। मेरे लिए आप भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो स्पिरिट भी इतनी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज करके उनके लिए ज्यादा उदास मत होना, वो वहां पे हैं। अगर आप उनकी सोल से प्यार करती हो, सच में उनसे प्यार करती हो, तो कहीं नहीं गए, बस आपको उनकी सोल के बारे में सोचना है। अलका द्विवेदी हैं जो मुझे हेलो सर बोल रही हैं। सो हेलो द्विवेदी जी, अलका जी हेलो। इसके बाद में फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर मेरी बेटी ने फांसी, आप फिर से लिखिए जी। आप मंजू जी क्या लिख रही हैं? सर मेरी बेटी ने फांसी लगा ली, शायद वो लिख रहे होंगे ला के आगे लगा ली। तो देखिए ये सबसे गलत काम यही है, लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मंजू जी जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, आप कितना भी घिनौना काम कर लो, कितना भी गलत काम कर लो, वो आपको माफ कर देंगे। वो बहुत बड़े हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है, बहुत ज्यादा एक वो दयालु हैं, कृपालु हैं। आप कितना भी बड़ा पाप कर लो, वो माफ कर देंगे। लेकिन स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगी, इससे आपके दुख खत्म हो जाएंगे या ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप इस जन्म को कई बार पहले भी ले चुके हो, ये चीज आप क्लियर कर लो। हो सकता है कि आज आप इंसान हो, उससे पहले आप सांप हो या कोई भी योनि में रहे हो, लेकिन आप जन्म कई बार ले चुके हो, हजारों बार ले चुके हो। जब आप एक बार अपने शरीर को खुद से नष्ट करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपकी ये जो शरीर नष्ट कराता है आपका भौतिक मन, जिस ये जो इस बॉडी का मन है, क्योंकि आपको पेन जो फील कराता है आपका भौतिक मन। लेकिन इस सारी चीजों का इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड पे और आपकी सोल पे। और आपकी जब आत्मा को ये सारी चीजें वहां पे झेलनी पड़ती है, मतलब उनको कोई मारता नहीं है, पीटता नहीं, आप कुछ भी कर लो। बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि आत्मा को मारा जाता है, ऐसा करा जाता है, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जब आप अपना इस आत्मा का जो मोक्ष का रास्ता था, उसको मान लीजिए 1000 बार में क्लियर कर लेते, तो इससे क्या होता है, आपको 1003 बार ट्राई करना पड़ेगा। तो एक लाइफ जैसा आप जानते हो, कम से कम 70 साल की, 50 साल की या जितना भी रहता है, उसको 3 टाइम्स आपको और ज्यादा वो करना पड़ेगा। क्योंकि हम सभी आत्मा का, आपका मेरा दूसरों का, इस संसार पे जो भी जीव है, उस सब का एक ही अल्टीमेट गोल्स है, मोक्ष का रास्ता, मोक्ष हो जाना, यहाँ से खत्म हो जाना, ये जो मरना जीना इससे बिल्कुल मुक्त हो जाना, यही हमारा एक गोल है। लेकिन उस गोल को आप तभी धूमिल कर देते हो जब ये बेवकूफी वाला कोई भी काम करता है कि मुझे फांसी लगाना है, ये सारे करना है। और जैसे आप फांसी लगाते हो तो आपको पता चलता है, जैसे आप इस शरीर को छोड़ते हो, कि मैंने क्या कर लिया। आपका ये शरीर है इतना बेसकीमती है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी वैल्यू आज आप नहीं कर पा रहे। मैंने आपके क्वेश्चंस के माध्यम से एक जवाब और देना चाहता हूं मैं उन सारे लोगों के लिए, कि जिस किसी का भी साथी आज आपके से बिछड़ गया है, चाहे उनका बेटा है, चाहे उनका बेटी है, या इस तरह से कोई भी जिसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उनके लिए उनकी क्या मनोदशा है कि वो बहुत परेशान है, इस शरीर की वो केयर नहीं करते। तो मैं उनसे आज इस वीडियो के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि प्लीज स्टार्ट करो केयर करना। ये शरीर आपका इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी आपको केयर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही आप यहाँ पे क्रिया कर सकते हो। आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है, आप इंस्टेंट वाली चीजों को देखते हो कि कैसे भी करके मुझे अभी पता चल जाए, कैसे भी करके मुझे सब कुछ पता चल जाए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का जो प्रोसेस है वो बहुत धीरे 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 करके चलता है वो, क्योंकि आप अगर अपना PLR करके, जैसे मैं बताता रहता हूँ, आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले आप कितनी बार जन्म ले चुके हो। तो अब जैसे एक ड्रॉप से एक घड़ा भरता है, एक एक ड्रॉप से, इसी हिसाब से उस घड़े से, जितना घड़े में पानी रहता है उससे समुन्द्र बनता है, इसी हिसाब से आपका मोक्ष का रास्ता आपके पास में आता है। तो आज से मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज अपने शरीर की केयर करो,
इसको भी आप एक ऐसा पार्ट मान के चलो कि इसके बिना आप नहीं रह सकते, और इसके बिना आप जो मोक्ष 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 ये सारी चीजें पूछते रहते हो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद में आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा मंजू जी। और भी कोई बहुत सारी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उनको लेता हूँ। सर मेरी वजह से मेरी बेटी की जान गई, मैं लेट किया दवा खाना, बहुत दर्द और शर्म से हर दिन मरा हुआ, माफी कसम मांगू। अमूल जी प्लीज ठीक से लिखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन बस मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ कि आप कहना चाह रहे हो कि आपकी वजह से आपकी बेटी की जान गई, हो सकता है वो आप उनका अच्छे से ट्रीटमेंट ना करा पाए हो, आई गेस आप ये पूछना चाह रहे हो। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, एक्सक्यूज मी मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये भी समझना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग किसी की मृत्यु के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं, रिग्रेट में चाहते हैं, उसके लिए ये सोचते रहते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, अगर मैं उनका ट्रीटमेंट करा पाती तो ऐसा हो जाता, या करा पाता तो ऐसा हो जाता। मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि प्लीज इस बात को समझ लीजिए, अगर कहीं भी किसी के बचने के चांस हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके देवदूत जो भगवान के दूत रहते हैं, उनको एक निर्देश देके तिनके का सहारा बनके कोई ना कोई चीज आपके पास में आ जाएगी। मान लीजिए आप अपनी बेटी को किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और आप लेट हो गए, तो आपके बस में एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको ऐसा कोई शख्स मिल जाएगा कि वो वहां पर ट्रीटमेंट कर देगा, मतलब किसी दूसरे वे में करेगा या कैसे भी करके आपको एक तिनके का सहारा मिल जाएगा। लेकिन जब उसकी सांसें ही नहीं बची हैं तो आप कितना भी दौड़ लो, हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होते समय भी बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज आप बिल्कुल भी इस बात पे मत जाइए कि आप उसके दोषी हो, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। अपने जीवन को अच्छे से जिए, अपने लाइफ का जो पर्पज है, आज मैंने एक वीडियो भी सुबह पब्लिश करी है, उसके बारे में सोचिए कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। ये बेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी एक बाप के लिए अपनी बेटी और बेटी के लिए अपना बाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उनके ख्याल मैं भी जानता हूँ, मेरी भी सिस्टर है तो उनके आसपास का जो एक रिलेशन है उसको मैं भी समझ सकता हूँ। तो प्लीज हाँ, आप अपने आप को दोषी मत मानिए, बस मैं इतना कह सकता हूँ। मैंने इसका वजह बता दी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक गुड्डा है जो आपको खिलाया जा रहा है, कर्मा कराया जा रहा है। सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्पिरिचुअलिटी से भी बढ़कर दो कदम बात करने वाले हैं, और वो बात है आपके सहयोग के बारे में और जो भी गरीब बच्चे होंगे उनकी मदद के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज मैं आपसे किस बारे में बात करूँगा। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने दीपावली पे एक वीडियो बनाई थी, उसके साथ साथ में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी आपके सहयोग के लिए, और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सहयोग भी किया था, बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आए थे हमारा सहयोग करने के लिए। और हमने रेफरेंस के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करते समय और जो भी प्रोडक्ट हमने उनको डिलीवर किए थे, उनको दिए थे, उसका भी वीडियो बनाया था, वो भी पब्लिक डोमेन में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो वैसे ही जैसे कि आप जानते हैं 25th यानी कि क्रिसमस हम बनाते हैं, इसके साथ साथ में 31st यानी कि 1st जनवरी को नया साल लगने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो ठंड है वो भी अपने चरम पे है। तो मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए आगे आएँ। अगर आप चाहते हैं तो कोई भी स्पेशल स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए टी-शर्ट चाहे, ब्लैंकेट चाहे, या जो भी आपकी पसंद है उसके हिसाब से भी हम स्पेशल डिलीवर कर देते हैं। लास्ट टाइम भी हमें कुछ 2-3 रिक्वेस्ट आई थी टी-शर्ट डिलीवर करने के लिए, वो हमने की थी। तो ये विंडो जो है आज 14 तारीख है, 14th है, 14th of December है, ये टिल 20th of December यानी कि 20 दिसंबर तक खुली रहेगी। 20 दिसंबर तक आप अपनी जो भी डोनेशन है उसको दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी डोनेशन से जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे, जो भी ब्लैंकेट्स या इस तरह से जो भी पूरी वर्कआउट होगा उसको कैसे भी करके 22 यानी कि 22 दिसंबर तक खरीद लेंगे,
और 23rd या 24th तक उसको उनके पास में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम हमने आपसे सहयोग की रिक्वेस्ट की थी तब आपने अपना सहयोग किया था और हम थोड़े लेट चल रहे थे। हमने दीपावली से एक दिन पहले वो शॉपिंग की थी उन बच्चों के लिए और उसके बाद में सेम डे जब दीपावली थी उसी दिन हमने उनको डिलीवर किया था। तो हमें कठिनाई क्या आई थी कि उस दिन जो नीडी पर्सन थे जिसने हमें सहयोग करना था, जिन्हें हमें उनकी मदद करनी थी, उनको मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने बहुत दूर तक ट्रैवल की थी सिर्फ उनको देखने के लिए। तो इस बार हमें क्या करना है कि फेस्टिवल से दो दिन पहले हमें उनको कैसे भी करके डिलीवर कर देना है। इसलिए 7 दिन के लिए आपके पास में विंडो है, आप चाहे तो अपना जो भी सहयोग है आप दे सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप सहयोग कैसे करेंगे। आपके डिस्प्ले पे UPI ID, Paytm नंबर दिख जाएगा। इसके साथ साथ में अगर आप दूसरा मोड यूज करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे या बैंक ट्रांसफ़र की भी कोशिश करते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के अंदर में आपको बैंक अकाउंट नंबर और उसके साथ में गूगल पे का UPI ID सब कुछ मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से भी डोनेशन कर सकते हैं। आप चाहो तो उस पर स्पेशल नोट लिख सकते हैं कि मैं एक बच्चे को ये डिलीवर कराना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जिससे क्या होगा, हमें मदद होगी आपकी जो भी जिम्मेदारी है उसको अच्छे से डिलीवर करने के लिए। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मैं खुद कोट लिखता हूँ इसके ऊपर कि जब भी हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो हमें अपना कैमरा घर पर छोड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम गरीबों की मदद कर रहे हैं इसके साथ में उसको पब्लिक डोमेन में सबको दिखा रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं लगता मुझे। लेकिन स्टिल आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे कि आपकी जो हार्ड एंड मनी है वो कहाँ जा रही है, क्या वो सही जगह जा रही है नहीं जा रही है। तो इसको देखते हुए मुझे कुछ क्लिप्स आपके रेफरेंस के लिए शूट करनी पड़ती है और उसको मैं पब्लिक डोमेन में भी लाऊंगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ योर रेफरेंस, बाकी मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे दीपावली पर आपने हमें सहयोग किया, इस बार भी आप सहयोग दें, एक कदम आगे बढ़काएँ। वो परमात्मा भी जान रहा होगा कि आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर है। और प्लीज़ वो शख्स कोई भी सहयोग ना दें जिसकी वाइब्रेशंस नेगेटिव है, दे डोंट वांट कि आपका एक भी पैसा जाए, क्योंकि बहुत हार्ड एंड मनी रहती है। तो हम चाहते हैं सहयोग के साथ साथ में आपकी पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशंस हमारे पास में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने दिया है लेकिन अंदर से उदास हो, लग रहा होगा कि ये पैसा कहाँ जाएगा। तो उस सामान से या उस पैसे से जो भी हम एक वस्तु या ऐसा कोई कुछ भी खरीदने वाले हैं और जो उस नीडी के पास में हो जाएगा तो उनके भी वाइब्रेशंस डाउन होंगे। तो प्लीज़ खुशी के साथ में सहयोग कीजिए, जितना भी पॉसिबल उतना कीजिए। अगर ये वीडियो 10,000 लोगों के पास भी जाएगी और सबने एक एक रुपया भी दिया तो 10,000 रुपये हो जाएंगे। इसमें कम से कम 50 लोगों की जो फैमिली है उनको मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप चाहे तो जितना भी डोनेशन कर सकते हैं, 1 रुपया भी, 10 रुपये भी, 20 रुपये भी या इससे ज़्यादा भी, वो आपके ऊपर है जितनी भी आपकी कैपेबिलिटीज़ है। सो आई होप कि ये वीडियो का जो आज का एजेंडा है वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो मैं वेट करूंगा आपके सहयोग का। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।